नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करेंसी बायर चैनल पर। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये 50 पैसे का सिक्का आज के टाइम पर 1000 रुपए का सिक्का है तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो लोग सिक्कों के बारे में जानकारी रखते हैं उन लोगों को पता होगा कि ये सिक्का 1000 का हो सकता है। कैसे एक सिक्के के बदले में, 50 पैसे के सिक्के के बदले में 1000 मिल सकते हैं जो सर्कुलेशन में नहीं है, मतलब आज के टाइम चलन में नहीं रह गए, ये सिक्के बंद से हो गए, कोई दुकान वाला आपसे सिक्का नहीं लेगा, लेकिन ये कीमती कैसे हो जाता है, 1000 में कैसे बेचा जा सकता है इस सिक्के को। तो अगर आपको पता है कि सिक्का 1000 में बेचा जा सकता है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर देना, और अगर आपको नहीं पता है कि 1000 का सिक्का कौन सा है तो मैं आपको इस सिक्के की जानकारी दूंगा, और आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपने पास पड़ा हुआ 50 पैसे का सिक्का जरूर निकाल पाएंगे जिसकी कीमत 1000 होगी। वो 1000 का सिक्का अगर आपको मिल जाएगा तो बेचने का रास्ता जो भी है वो मैं बताऊंगा, कैसे बेचना है इन सिक्कों, क्या करना है। सबसे पहले जब हम इन सिक्कों को बेचते हैं, बेचने के लिए जाएंगे, उससे पहले हमें क्या करना होगा, उस सिक्के को निकालना होगा। अगर आपके पास ऐसे सिक्के 50 पैसे के बहुत सारे पड़े हुए हैं, एक मान लो कि आपके पास 100 सिक्के हैं, 200 सिक्के हैं, और आपने 200 सिक्के उठा के किसी को ले जा के दे दिया कि मैं इन सिक्कों को बेचना चाहता हूं, तो वो सिक्का निकाल लेगा, उसमें से वो कीमती सिक्का होगा उसको वो निकाल लेगा और आपको वापस दे देगा कि ये सिक्के नहीं बिकेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अपने पास पड़े हुए सिक्कों को खुद पहचानना है, जो कीमती है उसको खुद से निकालना है और सिंगल सिक्के को ले जाकर सेल करने के लिए दिखाना है, तभी वो सिक्का सेल होगा। अब बात यहां पे ये आ जाती है कि जब आपको पता ही होता तो आप उस सिक्के को निकाल के साइड में रख लेते। तो चलो मैं आपको सबसे पहले यही बताता हूं कि इन सिक्कों को हम लोग निकाल कैसे सकते हैं, जो कीमती सिक्का होता है इन सिक्कों में उसकी पहचान क्या होती है। आपको उस सिक्के को पहचानने के लिए सबसे पहले अपने सिक्के के बारे में समझना होगा। 50 पैसे का सिक्का है, ये कुछ ऐसा दिखता है, मान लो एक भाग ऐसा दिखेगा दूसरा भाग ऐसा दिखेगा, और इसको बोलते हैं पार्लियामेंट कॉइन। 50 पैसे का पार्लियामेंट का सिक्का है ये, इसका थीम है। ध्यान रखना, जो चीज मैं आपको नाम बता रहा हूं ना ये आपको काम में आएंगे, ये इस सिक्के का थीम है और ये पार्लियामेंट थीम का सिक्का है। ये इस सिक्के का साल है 1998 में बनाया गया है। यहां नीचे बना हुआ ये डॉट का मिंट मार्क है, मतलब ये नोएडा की मिंट से बनाया गया है। ये चीजें काम में क्यों आती है पता है, जब हम सिक्के को सेल करने के लिए जाएंगे, किसी को बताएंगे कि मेरे पास में एक 50 पैसे का सिक्का है, वो बोलेगा कौन सा सिक्का है, तो हम कैसे बताएंगे। अगर हमें नहीं पता है कि किस थीम का है, कौन से ईयर का है, तो हम नहीं बता सकते ना, इसके लिए ये जानकारी आपको होनी चाहिए। सिक्के के दूसरे भाग में आते हैं ये साइड में, तो यहाँ पे ये अशोक स्तंभ होता है, ये डिनोमिनेशन होता है सिक्के का 50, और ये जो भारत, इंडिया, हिंदी, इंग्लिश में पैसे ये सब लिखे हुए होते हैं, इनकी जानकारी ना हो तो भी चलेगा, थोड़ा जानकारी होना भी चाहिए। लेकिन ये जो थीम है ये इसका मोस्ट होता है, ईयर मोस्ट होता है, मिंट मार्क मोस्ट होता है, मतलब ये सब जानकारी होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सिक्के को सेल करने के लिए। अब इस सिक्के की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं। 1988 से 2007 तक इन सिक्कों को स्टील, मतलब फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में 3.79 ग्राम वजन के साथ में 22 mm की साइज में 1.4 mm थिकनेस के ये सिक्के बनाए गए थे। 2007 तक इन सिक्कों को बनाया गया, उसमें लमसम सिक्के कॉमन ही होते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उस सिक्के का ध्यान देना, वो सिक्का ना तो ये वाला सिक्का है क्योंकि ये 1998 का है, ना ये वाला सिक्का है, ये वाला 2001 का सिक्का है। तो अब वो कौन सा सिक्का है, उसको कैसे पहचानेंगे, उस सिक्के को कैसे पहचानना है, चलो मैं आपको बता देता हूं। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 50 पैसे के दो सिक्के, यही वो दो सिक्के हैं जो कीमती है। इसमें पहला आप सिक्का देख रहे हैं 1993 का, यहां पे नीचे स्टार का एक मिंट मार्क बना हुआ देखने को मिल रहा है आपको, यहां ये स्टार बना हुआ है। ये ऐसा सिक्का अगर आपको मिल जाता है 50 पैसे का, तो इस एक सिक्के की कीमत आज के टाइम पर 1000 रुपए मिल सकती है,
लेकिन आपका सिक्का नया होगा तब UNC कंडीशन में। अगर आप खरीदेंगे तो 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, अगर आपके पास है तो शायद आपसे कोई 500 में ले ले, कोई 800 में ले ले, लेकिन UNC कंडीशन में आज के टाइम पर 1993 का यहां स्टार बना हुआ सिक्का खरीदते हैं तो 1,000 कीमत है आज के टाइम। ऐसा ही दूसरा सिक्का भी है, ये वाला, यह है डायमंड मिंट मार्क का, मतलब मुंबई मिंट का सिक्का है। और अगर ये सिक्का आपके पास में होता है मुंबई मिंट का, तो इस एक सिक्के की कीमत आज के टाइम पर 500 रुपए है। हैदराबाद मिंट का सिक्का थोड़ा ज्यादा रेयर है, मुंबई मिंट का सिक्का थोड़ा कमती रेयर है, लेकिन ये भी एक कलेक्टिबल सिक्का है। तो ये वो दो सिक्के हैं जिनको आप कलेक्शन कर सकते हैं। तीसरा 1993 का कोलकाता मिंट का सिक्का भी एक कलेक्टिबल सिक्का है। UNC कंडीशन में परचेज करते हैं तो कीमत 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक होती है इसकी। वैसे तो ये भारत के चारों मिंटों से बनाए गए थे, लेकिन ये जो दो मिंट है, ये दो मिंटों के सिक्के कलेक्टिबल हैं, और इनको अपने कलेक्शन में ऐड करें। अगर कीमत की बात करें, एक 1,000 देगा, दूसरा 500 रुपए। फ्यूचर में इन सिक्कों की कीमत काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, इसके लिए आज के टाइम पर इन सिक्कों को UNC कंडीशन में अपने कलेक्शन में ऐड करके रख दें। अगर आपको नहीं पता है कि क्या कलेक्शन क्या होता है, कैसे ऐड करना है, तो थोड़ा सा और ध्यान दें इसमें। जो 1993 का यहां स्टार बना हुआ सिक्का है, ऐसा आपको किसी एग्जीबिशन से खरीद लेना है, या फिर आपके पास है तो अपने पास पड़े हुए सिक्के को एक कॉइन होल्डर ले लेना है और उसमें रख देने का है, अच्छे से संभाल के रख देना है। और मैं यही कहूंगा कि अपने पास पड़े हुए सिक्के को किसी कलेक्टर को सेल कर दो और आप नया सिक्का खरीद लो थोड़ा पैसा और मिला के, और उसको ले जाके अपने घर में रख दो अच्छे से। आज से 10 साल बाद में ये सिक्का आज अगर 1,000 का है तो 10,000 का पक्का हो जाएगा। 50 पैसे का सिक्का है, वैसे चलन में भी नहीं है, लेकिन यही सिक्का आपको इतनी ज्यादा वैल्यू दे सकता है। ऐसा ही मुंबई मिंट का है, मतलब मैंने आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है, जो कलेक्टर लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। तो इन सिक्कों की फ्यूचर में कीमत बढ़ती है, अब ये फिक्स नहीं होता है कितनी बढ़ती है, अगर जितनी मतलब शॉर्ट मिंटेज होती है सिक्कों की, उसके हिसाब से ही उसकी कीमत बढ़ती जाती है। अब ये जो जानकारी है, ये आपको जब आप कलेक्शन की दुनिया में घुसेंगे, नुमाइस्मेटिक सोसाइटी में जाएंगे, एग्जीबिशन वगैरह शेयर करेंगे, तब आपको इन सब चीजों की जानकारी होगी, तब आपको पता चलेगा कि कौन से सिक्के की सबसे ज्यादा शॉर्ट मिंटेज है, कौन सा सिक्के की कीमत तेजी से बढ़ रही है, कौन से सिक्के की कीमत मतलब बढ़ चुकी है पहले से ही। कुछ सिक्के ऐसे भी हैं जिनकी कीमत 5-5 हजार है, कुछ ऐसे हैं जिनकी 10 हजार है, कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनकी कीमत 25 हजार है, कोई 30 हजार का भी है, और यहां तक कि कुछ सिक्के 50-50 हजार में भी बिकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको तभी होगी जब आप मतलब इन सिक्कों का कलेक्शन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में इंटरेस्ट जुटाएंगे, तब आपको इन सिक्कों के बारे में जानकारी पड़ेगी। लेकिन सर्कुलेशन से अगर सिक्का उठाना है, उससे कुछ फायदा करना है, तो ये दोनों सिक्के आपको निकालने हैं।